नमस्ते दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए सांभर। चलिए बना सांभर मेरे हैप्पी किचन में। सांभर बनाने के लिए हमें चाहिए अरहर की दाल 1 कप, ये कद्दू या सीताफल बोलते हैं इसको 1 कटोरी, गाजर, मूली, पपीता, बैंगन, प्याज, टमाटर, सहजना की फली, ये इमली का पल्प, सांभर पाउडर। तड़के के लिए हमें चाहिए सरसों, जीरा, सौंफ, मेथी, कड़ी पत्ता, हींग। और सांभर में डालने के लिए हमें चाहिए मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। दाल ले लिया मैंने प्रेशर कुकर में और जितना दाल है उसके दुगना पानी डाल दिया मैंने। पहले से ही मैंने दाल को भिगो के रख दिया था। इसमें हम हल्दी नमक डाल के पका लेते हैं। ये हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने, नमक हम स्वाद अनुसार। प्रेशर कुकर को ढक्कन लगा के सीटी दे देते हैं। जैसे नॉर्मल दाल बनाते हैं उतना ही पकाना है इसको। सांभर का दाल बन के तैयार हो गया है, इसमें अब सब्जी हम डाल देते हैं। चले, ये है पपीता, सीताफल, गाजर, मूली, बैंगन, सहजना की फली, टमाटर, अरे ऑनियन। अभी इसको हम एक सीटी लगा देते हैं, हल्की सी पकाना पड़ेगा इसको क्योंकि सब्जियाँ ज़्यादा पकनी नहीं चाहिए। इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ, डाल के नीचे कम पानी है इसलिए थोड़ा सा पानी डाल के इसको सीटी लगा देते हैं। ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, सब्जियाँ ज़्यादा नहीं पकानी चाहिए हमें, तो एक सीटी आते ही इसका गैस निकाल देंगे हम। ये सीटी दे दिया सांभर ने, हो गया हमारा सांभर, पक गया होगा। अभी गैस हम बंद कर देते हैं। ये देखिए पक गया है हमारे सारी सब्जियाँ। इसको अभी बाकी सारे मसाला इसमें मिक्स करके हम उबाल लेते हैं और तड़का दे देते हैं। ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है बर्तन, मैं दूसरे बर्तन में इसको डाल देती हूँ। मैंने सांभर को दूसरे बर्तन में डाल दिया, वो छोटा पड़ रहा था थोड़ा, तो प्रेशर कुकर में पकने के बाद इसमें मैंने डाल दिया। अब इसमें मिला लेते हैं हम थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, क्योंकि मिर्ची पाउडर उसमें भी होगा जो सांभर पाउडर में, तो कम मिर्ची डालना। ये सांभर पाउडर 2 टेबलस्पून मैंने लिया था, इसको डालना। और जो इमली का पल्प रखा था उसको भी डाल के मिला देते। पानी की कंसिस्टेंसी आप देख के थोड़ा मिला सकते हैं। ऐसे दाल हम पकाते वक्त थोड़ा कम पानी डालते हैं, बाद में थोड़ा पानी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये जैसे अच्छे से उबल जाएगा, इसको 5 मिनट के लिए उबाल देंगे, इसमें मसाले की टेस्ट आ जाएगा, फिर इसमें हम तड़का दे देंगे। इसमें हम थोड़ी सी कड़ी पत्ता इसमें भी डाल सकते हैं, तो कड़ी पत्ते की स्मेल और टेस्ट इसमें आ जाएगा। जैसे उबालते वक्त तड़का में तो हम डालेंगे ही, और उबालते वक्त भी इसमें थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देते हैं। और इसमें जो मैंने प्याज डाला है, अगर आप प्याज लहसुन बिना प्याज लहसुन का बनाएंगे तो वो प्याज को स्किप कर देना। तड़का के लिए मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया 1 टेबलस्पून, और इसमें अभी तेल गर्म होने के बाद हम डाल देंगे इसमें जीरा, सरसों, ये मेथी, सौंफ, और ये हींग, हींग जरूरी है इसमें डालना, सूखी मिर्ची, कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को हम लास्ट में डालेंगे। दाल एकदम हो गया तैयार हमारा। अब ये तड़का हम डाल,
तैयार हमारा सांभर।